वेलकम टू स्टार टेक्नोलॉजीज। आज हम फाइबर शॉर्ट के माइक्रो ओटीडीआर की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके यूजेस को देखेंगे। सो इस बॉक्स कंटेंट में हमें एक टाटा केबल मिलती है जिसका यूज हम इसे चार्ज करने के लिए कर सकते हैं और एक एफसी कनेक्टर मिलता है। सो ये हमारी ओटीडीआर की यूनिट है, कंप्लीटली हैंडहेल्ड यूनिट है, इजीली आप इसे पकड़ सकते हो, इजी टू कैरी है और लाइट वेटेड है। सो ये पावर ऑन बटन है, यहाँ पर जैसे ही आप इसे ऑन करोगे वहाँ पर आपको डिस्प्ले पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपका OTDR, BFL, लेजर सोर्स और पावर मीटर, बेसिकली ये चार ऑप्शंस, चार फंक्शंस आपको मिलेंगे जो कि लाइन पर यूज़ होते हैं। साथ में इसमें आपको एक RJ45 लैन केबल टेस्टर मिलेगा। FLM एक ऐसा फीचर होता है जिसमें आप OTDR से ग्राफिक व्यू को पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकते हो। एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप OTDR के ट्रेस को सेव कर सकते हो और सेटअप के थ्रू इसकी सेटिंग्स कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर के लुक को देखते हैं कि टॉप साइड से ये कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको एक कनेक्टर दिखाई दे रहा होगा जो कि हमारा SCPC कनेक्टर है, और एक आपको जो सेक्शन दिखाई देता है वो आपको पावर मीटर का सेक्शन मिलता है, और एक आपको जो सेक्शन मिलता है वो मिलता है BFL का। सो यहाँ पर टॉप साइड पे आपको तीन सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला सेक्शन आपका OTDR का है, दूसरा पावर मीटर का है, तीसरा BFL का है। वन बाई वन करके हम तीनों को देखते हैं और इनकी परफॉर्मेंस लेवल को टेस्ट करते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमने एक सेटअप बना रखा है, उस सेटअप पे हम इसको टेस्ट करते हैं। एक आर्टिफिशियल नेटवर्क बना हुआ है जिसमें हमने एक 5 किलोमीटर के स्पूल को 10 किलोमीटर के स्पूल से कनेक्ट कर रखा है, और उसका एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट को हम एक 25 किलोमीटर के स्पूल से कनेक्ट करेंगे जो कि नाउ आपका ये जो नेटवर्क है वो 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर, दैट मींस कि इस समय इस नेटवर्क की जो लेंथ है वो 40 किलोमीटर लॉन्ग है। हम इस 40 किलोमीटर लॉन्ग नेटवर्क को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इस 40 किलोमीटर नेटवर्क पे ये किस तरीके से ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया। सिंपली हमें इस OTDR वाले सेक्शन पे जाके ओके को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेटअप में जाके हमें इसे दो तरीके से हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन रहता है वो मैनुअल रहता है, और सेकंड ऑप्शन ऑटो रहता है। पहले हम इसे मैनुअली टेस्ट करते हैं और देखते हैं। मैनुअली टेस्ट करने के लिए हमने जो वेवलेंथ सेलेक्ट किया है वो 1550 की है, क्योंकि नेटवर्क 40 किलोमीटर्स का है तो हमने 80 किलोमीटर एज अ मार्जिन लेंथ ले रखी है। पल्स विड्थ हमने 500 NS रखी है, और अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो सिंपली टेस्ट करने के लिए आपको इस टेस्ट बटन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर आपका ग्राफ टेस्टिंग के लिए जाने लगा है। आप यहाँ पर टाइमिंग देख रहे होगे, 10 सेकेंड में ये नेटवर्क को ट्रेस कर रहा है जो कि बहुत ही क्विक है। आप देख सकते हो कि 10 सेकंड के अंदर OTDR ने कंप्लीट नेटवर्क को ट्रेस कर दिया है, जिसमें आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो जो कि मैंने आपको बताया था 10 किलोमीटर का है। उसके बाद आपका 5 किलोमीटर की एक लेंथ है, टोटल 15 किलोमीटर्स हो गए। यहाँ पर हमने फिजिकल कनेक्टर्स को यूज़ किया है। 10 किलोमीटर के स्पूल से जब हमने 5 किलोमीटर के स्पूल को जोड़ा है वहाँ पर हमने 0 dB के कनेक्टर यूज़ किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 0 dB के कनेक्टर यूज़ करने पर आपके जो लॉसेस आते हैं वो लगभग 0.5 फर्स्ट कनेक्टर पे लॉस है, सेकंड पे 0.8 लॉस है। टोटल जो नेटवर्क की लेंथ है वो 40 किलोमीटर आई है, और जो टोटल लॉस आया है आपके कंप्लीट नेटवर्क पर वो 8.6 dBm का है। सो इस तरीके से इसने सक्सेसफुली इस नेटवर्क को ट्रेस कर लिया है। अब हम इसके BFL और पावर मीटर वाले सेक्शन को देखेंगे और देखते हैं ये किस तरीके से उस पर काम करता है। सो BFL वाले सेक्शन पर जाने के लिए हमें सिंपली इस BFL वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक 650 NM की लेज़र जाएगी जिसकी जो लेंथ रहती है वो 10 किलोमीटर्स की रहती है। आप इसकी इंटेंसिटी को देख सकते हो, बहुत हाई इंटेंसिटी है इसकी। यहाँ पर हम इसे 1KHZ और 2KHZ दोनों पर यूज़ कर सकते हैं। इसे ऑफ करने के लिए सिंपली आपको इस ऑफ बटन पर क्लिक करना है। रेस्ट हम इसके अब 2 फीचर्स को देखते हैं जिसमें हमारा OPM और OLS आता है। दैट मीन्स OPM मीन्स ऑप्टिकल पावर मीटर। इसमें जो आपको ऑप्टिकल पावर मीटर की रेंज मिलती है वो -60 से +10 की मिलती है जो कि बहुत ही गुड क्वालिटी में है। साथ में आपको जो लेजर सोर्स मिलता है वो -7 dB पावर का मिलता है। दैट मीन्स आपको 2 वेवलेंथ पे यहाँ पर लेजर सोर्स मिलने वाला है, 1310 और 1550।
आप दोनों वेवलेंथ पर -7 dB पावर को लाइन में शूट कर सकते हो और अपनी लाइन का ट्रबल शॉट कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है वो आपको मिलता है RJ45 लाइन केबल टेस्टर का, जहाँ पर आप इन दो पोर्ट्स का यूज़ करके किसी भी लैन केबल को टेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपका ए साइड ये रहेगा और बी पॉइंट ये रहेगा। तो ये आपका फीचर आपका लैन केबल टेस्टर का है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो OTDR, BFL, लेजर सोर्स, पावर मीटर, RJ45 टेस्टर और साथ में FLM का फीचर मिलता है, जो कि आपके जो ग्राफिकल व्यू OTDR ने दिखाया था उसे पिक्टोरियल व्यू में कन्वर्ट करता है। सो इस OTDR की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच।